नरेंद्र मोदी भाषण में क्या बोलते हैं, हमारी दुनिया, हमारे देश में इतिहास में बहुत बड़ा साइंस था और वो साइंस प्लास्टिक सर्जरी का भी था और उसका उदाहरण दिया गणेश कि कैसे हाथी का सिर काट करके एक बच्चे के ऊपर लगा दिया, ये हमारे बड़े बड़े डॉक्टर लोगों ने करके दिखाया। भारत का प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, बोले कौरव सौ 100 कौरव पांडव, कौरव लोग सौ कैसे हो गए सौ, बोले स्टेम सेल रिसर्च था, स्टेम सेल रिसर्च। इतना झूठ, इतना पाखंड अंधविश्वास भारत का प्रधानमंत्री उसका प्रचार कर रहा, इससे देश रसातल में जाएगा। जब आप जाते हैं नेपाल एज प्राइम मिनिस्टर, आप 2 घंटे तक मंदिर के अंदर, पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर घुस करके पूजा करते हैं, ऐसा सब डाल करके माला फाला त्रिपुंड है? तुमको पंडागिरी करना है तो जाओ वहां पर पंडागिरी करो, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठ करके ये काम नहीं कर सकते आप। आप बांग्लादेश जाते हैं, ढाका ढाकेश्वरी के मंदिर में आरती उतारते हैं आप, ये हमारे भारत के संविधान की भावना और स्पिरिट के खिलाफ है। मैंने उसके खिलाफ स्टेटमेंट दिया, देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कंडेम किया इसको। मैंने कश्मीर में श्रीनगर में खड़े होकर के कहा अमरनाथ अमरनाथ बहुत बड़ा तीर्थ यात्रा जाता है, आपके इधर सबरीमला वाले जाते हैं ना, सबरीमला अयप्पा अयप्पा, ये भी अंधविश्वास है सारा का सारा, ये तिरुपति भी अंधविश्वास है और ये अमरनाथ भी अंधविश्वास है। मैंने श्रीनगर में कहा, मुझे टेलीविजन वालों ने पूछा कि स्वामी जी इस बार अमरनाथ की तीर्थ यात्रा को सरकार ने 15 दिन कम कर दिया, तो आपको क्या रिएक्शन देना। मैंने कहा 15 दिन क्यों कम किया, इसको पूरा कम कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। बोले क्यों, वो तो बर्फानी बाबा हैं, वो तो शिवलिंग है। मैंने कहा वो कोई शिवलिंग वगैरह कोई परमात्मा कोई नहीं है, वो तो 13,500 फुट पर हिमालय में पानी ऊपर से टपकता है तो नीचे से बर्फ ऐसे बन जाता है, हम तो भूगोल में पढ़ते थे स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट बोलते हैं उसको, नीचे से ऊपर जो बर्फ जाता है और ऊपर से जो नीचे लटक जाता है, ये तो एक नेचुरल फेनोमेना। मैंने कहा नथिंग टू डू विथ एनीथिंग डिविनिटी डिवाइन, कोई इसकी ईश्वर परमात्मा का उतना बड़ा उसको तुम बना रहे हो शिवलिंग बर्फानी बाबा, उसके लिए सब 13,500 फुट पे जाते, गवर्नमेंट को इतना इंतजाम करना पड़ता है, करोड़ों करोड़ों रुपया सेना लगानी पड़ती है सुरक्षा के लिए, ये सब धोखा है पाखंड। मैंने ये कह दिया, मैंने ये भी कहा कि एक बार यात्रा शुरू होने से पहले वो सारा का सारा शिवलिंग ग्लोबल वार्मिंग में पिघल गया, वो गायब हो गया, तो गवर्नर जनरल एस के सिन्हा गवर्नर थे, वो हेलीकॉप्टर में आर्टिफिशियल आइस लेकर के गए और उसको बना करके, ताकि भगत लोग आएंगे तो उनको सचमुच का एक शिवजी मिलना चाहिए। ये क्या है, ये सरकार का काम है। कुंभ का मेला लगता है हरिद्वार में, लगता है इलाहाबाद में, लगता है आपके पड़ोस नांदेड़ में, लगता है अभी गोदावरी का भी क्या क्या मनाया, लोग मर जाते हैं उसके अंदर, भगदड़ मस्ती है। मैं हर बार जाता हूं कुंभ के मेले में, 500,000 लोगों को लेकर के मैं पूरे यात्रा निकालता हूं, नारे लगाता हूं, इश्तहार बांटता हूं, कोई गंगा में डुबकी लगाने से पाप नहीं धुल सकता और गंदे नदी में नाले में आप पानी में डुबकी लगाओगे तो बीमार हो जाओगे,